Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तहरीन, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, ऐसा करते कॉफी पीने चलते जाते हैं। नर्सरी से कभी तीनों गए नहीं हम लोग, है ना? हाँ, है तहरीन, चले। मेरा मूड नहीं है माँ, फिर कभी प्लान बना लेंगे। तुम चाहोगी तो तुम्हारे दिल चाहेगा ना तहरीन। बेटे, अल्लाह की यही रजा थी, उसके काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। तुम भूल जाओ ये सब कुछ और दोबारा से अपनी नई जिंदगी का आगाज करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। किसी के हाथ पैर टूट जाएं और आप उसे नॉर्मल जिंदगी गुजारने का कहें तो इससे संगीन मजाक और कोई नहीं हो सकता। तहरीन, खुदा ना खास्ता, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें कोई माजूरी नहीं हुई है। तुम कैसी बातें कर रही हो? आप लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन महसूस तो मुझे हो रही है ना। तहरीन बेटी, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम इकलौती बेटी हो मेरी, ये भाभी तुम्हारी बहनों की तरह है। हमें एहसास नहीं होगा तुम्हारा? इस तरह तुम्हें देख के हमारा दिल कुड़ता है। मेरा अच्छा बच्चा, तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आओ, हम तो तुम्हें देख के ही खुश हो जाएंगे। और देखो तहरीन, दुनिया में हजारों लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो एडजस्ट करते हैं, राइट? तुम्हें भी एडजस्ट करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा शौहर कितना सपोर्टिव है, कितना साथ दे रहा है वो तुम्हारा। एक और काम कितना अच्छा हो सकता है, तुम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा दोबारा से। मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन उसके लिए इसे पहले खुद को संभालना होगा। संभाल लेगी तहरीन, चलते हैं ना बेटे बाहर, दिल बहल जाएगा। कुरतुलान, तहरीन को बता दिया था खाना लग गया? जी मम्मी, बता दिया था। क्या कह रही थी? आ रही है। किरण, मेरी बेटी तो हंसना ही भूल गई। क्या कर सकते? तहरीन जाओ हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। समर को क्या मैं रात को अपने पास सुला सकती हूँ? तहरीन, इसमें पूछने वाली क्या बात है, उसे अपने साथ सुला लो। थैंक्स। कमरे में भिजवा देते हैं। चलो, शुक्र खुदा का किसी वजह से तो थोड़ी नॉर्मल होती जा रही है। अब क्या सोचना है? मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैं रोज जब उससे मिलने जाता हूँ तो वो मुझसे कोई बात ही नहीं करती है, वो सिर्फ अपने भतीजे में मसरूफ रहती है। मुझे कमजोर लग रहे हो तुम, अपना भी ख्याल रखा करो बेटे। पापा मैं ठीक हूँ, तहरीन कैसी है? क्या हाल है?
मैं ठीक हूँ। चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, बैठो। हील हो रही है वो समर की वजह से। मैंने तुम्हें कहा था ना, जो बात इसके लिए जख्म बनी है वही मरहम बनेगी। लेकिन तहरीम सारी जिंदगी यहां तो नहीं रहेगी, मेरे साथ जाएगी ना वो। जानती हूँ, मालूम है मुझे। तुम भी एक बच्चा अडॉप्ट कर लो अपनी खातिर, तहरीम की खातिर, और फिर हवेली वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा। हील हो रही है समर की वजह से। जो बात इसके लिए जख्म बनी है वही मरहम बनेगी। तुम भी एक बच्चा अडॉप्ट कर लो अपनी खातिर, तहरीम की खातिर, और फिर हवेली वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा। क्या बाबा से मशवरा करूं? नहीं, इस मामले में किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। मेरा ख्याल है कि अब तहरीम को घर वापस चले जाना चाहिए। ये फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे खदशा है। क्या खदशा? जैनली को मेरी बात ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन तेरी नूरजहां चाची की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। अब जाके तो वो थोड़ा संभली है। अगर बड़ी अम्मी को कुछ कहने का मौका ही ना दिया जाए तो? क्या मतलब? मैंने बहुत सोच समझकर बच्चा अडॉप्ट करने का फैसला किया, और मैं तहरीम को उस बच्चे के साथ ही घर लेकर जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया। कहीं बात की तुमने? मेरा मतलब है पेपर्स में काफी टाइम लगता है। अगर तुम चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? तहरीम समर को बहुत चाहती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि हम समर का बहुत ख्याल रखेंगे, उसको बहुत मोहब्बत से पालेंगे, तुम दोनों को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। रोहिल प्लीज, सिर्फ मेरी बीवी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बहन की जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। सहल, तुम लोग कोई और बच्चा भी तो अडॉप्ट कर सकते। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन लेकिन उसको खानदान में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तहरीम समर को जितना चाहती है, पता नहीं किसी और बच्चे को उतना चाह सके या नहीं। सैन प्लीज, प्लीज यार, कम से कम तुम अपनी बहन को तो मायूस ना कर। अपना बच्चा नहीं दूंगी, मुझे फोर्स ना करना।
तुम तो मां बनी हो ना, तुमसे बेहतर कौन समझ सकता तहरीम के एहसास को। तहरीम के साथ जो कुछ हुआ है उसमें मेरी क्या गलती है? मेरे बच्चे का क्या कसूर है? तुम तो दोबारा मां बन सकती हो, लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट करूं तो ठीक है, मुझे सिर्फ मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब चाहिए। अगर मैं तहरीन की जगह होती और मैं उसे उसका बेटा मांगती, क्या वो इतनी आसानी से मुझे दे देती? बिल्कुल देती, वो एक लम्हा जाए के बगैर ऐसा कह गुजरती। तुम जानती हो उसको अच्छी तरीके से, आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तहरीम इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रही है, तुम जानती हो यार, तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहा हूं, मैं जानता हूं। सैन ने जिस तरह मुझसे पूछा उसे कैसे इनकार करूं? क्या करूं? तहरीम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब हमारे साथ होना लिखा था, हो गया, लेकिन अब हम अपनी जिंदगी जाया तो नहीं करेंगे ना? तुम्हें पता है जहन में मैं समर के बगैर नहीं रह सकती, कैसे रहूंगी मैं उसके बगैर? बेटे तुम्हें किसी ने आने से यहाँ रोका है क्या? जब दिल करे उससे मिलने आना है। अम्मा एक दफा आ सकती हूँ ना हफ्ते में, बाकी के 6 दिन मैं कैसे गुजारूंगी उसके बगैर? ये पॉसिबल नहीं है। तुम सारी उम्र तो यहाँ नहीं रह सकती ना तेरी, जाना तो होगा तुम्हें, तुम्हारा असल घर वहां हवेली में है, और जैन अली तुम्हारे लिए घर भी तो बनवा रहा है, वहां कौन रहेगा? समर आज से तुम्हारा बेटा है, तुम्हें अब खुद तरसी खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सच कह रही हो, उसे हवेली ले जा सकती हूँ अपने साथ। थैंक यू बेटे, आज तुमने मेरी भतीजियों ने कहा कदा कर दी, तुमने हम सबको बता दिया कि हमारी खुशियों की तुम्हें कितनी परवाह है। मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं। अरे बेटा को कह दिया तुम्हें, कह दिया एक ही बात है ना। कुरत, I am speechless. प्लीज तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं,
कि तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। तुम मेरे भाई हो, तेरी मेरी बहन है। तुम दोनों के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। समय रो रहा है देख रहा है। तहरीम को लेकर जैन अली अभी तक आया नहीं, मैंने बहुत दफा फोन भी किया। मैं खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ, कह के तो गया था कि दोपहर का खाना खाते ही लौट आएगा। अरे ये तो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। ये कुरतुलैन का बेटा तुम्हारे पास? ये हमारा बेटा है बड़ी अम्मी, आपका पोता। क्या मतलब? हमने समर को अडॉप्ट किया है। बहुत अच्छा हो गया ना अम्मी, तहरीम भी कितनी डिस्टर्ब थी, अब उसे अपनी खाली गोद का भी एहसास नहीं होगा। अरे खाक अच्छा हो गया। ये कुरतुलैन भी बहुत चालाक लड़की है, शातिर, बिल्कुल अपने बाप की तरह। क्या कहना चाह रही है अम्मी? कुरतुलैन ने ये सब कुछ अपने बाप के कहने पर किया है। बड़े अब्बू को इससे क्या फायदा है? बिल्कुल ही भूलियो तुम। देखो अनवर अली का नवासा यहाँ पलेगा तो पूरी जायदाद और इस घर का वारिस वही होगा। लेकिन अम्मी कुरतुलैन आप ही का बेटा है, वो अपने जिगर का टुकड़ा कोई किसी को ऐसे नहीं देता। यही तो समझा रही हूँ मेरी भोली बेटी, यूं नहीं दे देता कोई अपने जिगर का टुकड़ा किसी को। करोड़ों का सौदा किया है, कल को इस घर और जायदाद का वारिस वही तो बनेगा। लेकिन अम्मी, और नौलखा अब तुम देखो, जैन की अगर कोई दूसरी औलाद ना हुई तो भाई समर की बीवी ही कोई मिलेगा ना नौलखा। इस तरह कुरतुलैन नौलखे की मालिक भी बन जाएगी। कहाँ पहुंच गए अम्मी आप, समर अभी चंद माह का है। तुम्हें कुछ नहीं पता, कितने दिनों बाद तुम मेरे हाथ आई, सारे बाल खुश्क हुए। बाबा हम दोनों बहुत खुश हैं इस फैसले से, आपको कोई इतराज तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे क्यों इतराज होगा, तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूं। बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखो पराई औलाद पालना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन बाबा हम समर को अपना बेटा समझ के लाए, तो वो हमारे लिए पराया तो नहीं होगा। बेटा ये तो तुम लोगों की सोच है ना, कि दुनिया ऐसे नहीं सोचती। कल को अगर थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो गई ना तो सब कहेंगे कि देखो इनकी अपनी औलाद नहीं थी इसलिए इन्होंने कोताही बरती। बाबा ऐसा कभी नहीं होगा, हम दोनों कोशिश करेंगे कि समर के मामले में कभी कोई लापरवाही ना बरते। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूं। थैंक यू बाबा। बाबा आपने तो सही मानों में गेम अपने नाम कर ली, इतना अच्छा मशवरा दिया कि सारे यहाँ बहुत शुक्रगुजार हैं मेरे। बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बात पर गौर करो, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है। रुहेल ने भी मुझसे पूछा लेकिन मैंने उसे बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया था। मैं समझता हूँ बेटा कि जहाँ औलाद की बात आती है वहाँ फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी बहुत सोच समझ के मैंने तुम्हें ये बताया था। और हाँ, अगर वहाँ से तुम्हें कहा जाए तो तुम इनकार मत करना भैया। अकबर अली और बाकी सब और वहाँ पर तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे दब कर रहेंगे। जी बाबा, मैंने भी यही सोचा कि वहां हवेली में आप भी हैं, समर का ख्याल रख सकते हैं।
कोई उसके साथ बुरा सलूक करेगा तो मुझे फौरन पता चल जाएगा। बस यही सोच के मुझे बहुत तसल्ली हो गई। अरे नहीं बेटा, तुम इसकी फिक्र मत करो, यहाँ मैं उसका ख्याल रखूंगा और उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। बस बेटा तुम्हें एक बात याद रखना, मुमताज रोहेल और बाकी लोगों को ये बावर जरूर कराना कि तुमने कितना बड़ा एहसान किया है उन पर। जी बाबा, ठीक है। Zain, beta, now that everything is under control, तुम थोड़ा घर पे भी तवज्जो दे दो ना। जी बाबा, इस दफा शहर जाऊंगा तो घर को भी जरूर देखूंगा। कल बात हुई थी मेरी रोहिल से, उसने काफी ख्याल किया है। हाँ, मुझे बता रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जी बस कुछ हफ्तों की बात है, फिर घर भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो उसका क्या हुआ? किसका बाबा? नौलखा का बेटा, वो इस घर का जेवर है, इसी घर में होना चाहिए। बाबा वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया, तहरीन से मैं जरूर बात करूंगा। ख्याल से बेटा, नौलखा कोई भूलने वाली चीज नहीं है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? उठने में बहुत देर कर दी आज। हाँ, कल रात को बहुत देर तक मैं जागता रहा। क्यों, क्या कोई परेशानी थी? नहीं नहीं, खुदा ना ख्वास्ते ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अकबर अली, बुरा मत मानना, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या भाई, क्या जरूरत थी तहरीम और जैन अली को बच्चा गोद लेने की? अब अगर तहरीम इस काबिल नहीं रही कि बच्चा पैदा कर सके तो बच्चा गोद ले लेने में क्या हर्ज है? तहरीम औलाद पैदा करने के काबिल नहीं, लेकिन जैन अली तो औलाद पैदा कर सकता है ना। खैर, तुम ये मत समझना कि कुरतुलैन का बेटा इस घर में लाया गया है। अनवर अली का नवासा लाया गया है इस घर में वारिस बनाकर, और अनवर अली बेटी का बाप होने के बावजूद यहाँ वारिस ले आया है। याद रखो, तुम बेटे के बाप होने के बावजूद ऐसा ना हो कि बेवारिस रह जाओ। क्या कह रहे हैं ये सब टॉयज? सब पता है हमें। जानू बाबा, किसका बेबी है? मामा का बेबी है जी। गोल मटोल कौन है? जानू, ये देखा आपने? ये प्लेन देखा आपने? शफक, क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना। समर, देखो कौन आया है। पुप्पो आई है। पुप्पो नहीं, खाला। पहले तुम मेरी बहन हो, बाकी रिश्ते बाद में। ये भी सही। अच्छा, तुमने जैन को देखा है? दो मिनट इसके पास बैठती हो, मैं इसका दूध लेकर आती हूँ। समर, पुप्पो को, खाला को बिल्कुल तंग नहीं करना। मैं आई। क्या कर रहे हैं? वाओ, ये किसका टॉय है समर? एयरप्लेन भी है। वाओ, बाबा पेपर्स तो आपने बनवा लिया, लेकिन उन पे साइन कौन करवाएगा? नूरजहां चाची मर जाएंगी, लेकिन अपनी कोई चीज किसी को भी नहीं देंगी। बेटा, बस तुम देखती जाओ कि मैं ये सब कुछ कैसे अपने समर के नाम करवाता हूँ। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। करेंगे क्या? अरे बेटा, जो पुरानी जमीनें हैं ना, उनको बेच के मैं नई जमीनें खरीदूंगा और वो समर के नाम होंगी। और जितना बैंक बैलेंस है ना, वो सब फिक्स करा दूंगा, ताकि हमारा समर जब बड़ा होगा तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी दूर की सोची है आपने। हाँ बेटा, सोचना पड़ता है, क्योंकि ये सारा जमाना बहुत खुदगर्ज है और
भाई, अपनी औलाद से ज्यादा तो कुछ भी नहीं होता। जो लोग अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचते तो फिर औलाद को भुगतना पड़ता। वो वैसे भी कल किसने देखा है? और बेटा, मैंने तय कर लिया है कि जिस महरूमी से मैं गुजरा हूं, मेरी बेटी कभी उसका सामना ना करे। बाबा, आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन एक ख्वाहिश मेरी रह गई है। समर से होता हुआ वो नौलखा मेरे हाथ लग जाए। पुप्पो जिस पे कब्जा जमा कर बैठी हुई है। लग जाएगा बेटा, लग जाएगा। नौलखा भी तुम्हारे हाथ लगेगा। तुम बस देखते जाओ, एक बार सब कुछ समर के नाम हो जाए तो फिर तुम देखना, तुम्हारे लिए नौलखा भी ले आऊंगा और नूरजहां को इस घर से धक्के देकर निकलवा के रहूंगा। ठीक है बाबा। कहाँ थे? काम से गया था। पर कहाँ गए थे? शहर गया था कॉन्ट्रैक्टर से मिलने। बता के ही चले जाते, तुम जानते हो समर कितना मिस करता है तुम्हें। अच्छा खैर, कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है? काम रुका हुआ है यार। क्यों? फंड्स नहीं। खैर तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा। मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है, तुम जो हो मेरे पास। राइट राइट। समर कितना क्यूट है नामी, तो समझ नहीं आता कुरतापी ने उसे कैसे दे दिया। बहुत सोच समझ के दिया है, ऐसे नहीं दे दिया। बहुत होशियार है वो, तुम क्या समझ रही हो? तुम्हें कहाँ से क्यूट लगने लगा वो? क्या मतलब मम्मी, बच्चा है, बच्चे तो क्यूट ही होते हैं ना। या अल्लाह, इस लड़की का क्या होगा, मैं पता नहीं क्या सोचे बैठी। और तुम्हें तो कोई ख्याल ही नहीं अपना। अब मैंने क्या किया मम्मी? तुमने ये किया कि तुमने कुछ किया ही नहीं, यही पछतावा मुझे 40 साल पीछे ले गया है। ऐसी बातें क्यों करती हैं, जैसे दिल दुखता है मेरा। अच्छा बस, अब रोने मत बैठ जाना। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ कि तहरीम से दूर रहो। पता नहीं बच्चा कहाँ बीच में आके टपक गया। इसमें बच्चे का क्या कसूर है अम्मी, उसे क्यों कह रही हैं आप? किससे कहूँ, किससे कहूँ? और तुम किस खुशी में इतनी साइड ले रही हो उनकी? सारा मसला तो कुरत आपी का है ना, अपने जो कहना है कोसना है उन्हें कोसे। बच्चे को तो ना कुछ कहे अम्मी। मैंने तो अभी किसी को कोसा ही नहीं है, और वो बच्चा नहीं है, पूरी जागीर का मालिक बनने वाला है। तुमने देखा है जब से वो इस घर में आए, अनवर अली की तो चाल ही बदल गई है। मेरे दिल से अगर गलती से कोई आह निकली तो ना कुरतुलैन और ना तहरीन कोई भी चैन से जी नहीं सकेगा। बच्चा आ गया। भाई साहब, ये मैंने कुछ पेपर्स निकाले, इनसे कुल रकम का तखमीना लगाने में आसानी होगी। कौन से कागज हैं ये? इसी साल के हैं जब हमने फैसला किया था ना कि कंदों की कटाई और दीगर जगहों से आने वाली रकम के तीन हिस्से होंगे और अलग अलग अकाउंट्स में जमा करवा दी जाएगी। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं नूरजहां के हिस्से की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया है फरेली, तुम क्यों वजद हो उसके हिस्से के लिए, हालांकि उसने आज तक जिक्र नहीं किया। मैं चाहता भी नहीं हूं कोई आपसे दोबारा जिक्र करे। अकबर अली, अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र सता रही है तो अपनी जायदाद में से उसका हिस्सा दे दो। और तुम्हारा कौन बैठा हुआ है वारिस?
है? एक वारिस है और वो हमारा नवासा है। इन सब बातों पे हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि बड़े भाई साहब के अकाउंट में मौजूद रकम। फिलहाल तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ना ही बड़े भाई साहब के अकाउंट में कुछ पैसे हैं और ना ही तुम्हारे अकाउंट में। सुन लिया तुमने? अकाउंट कैसे खाली हो सकते हैं? उसमें हजारों नहीं लाखों रुपये था। उन्हीं लाखों रुपए से मैंने मजीद जमीनें खरीद ली। जमीनें खरीद के मुझे बताया तक नहीं आपने, कहाँ हैं उन जमीनों के पेपर्स? बन जाएंगे पेपर्स। तुम मुझ में शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूं भाई साहब, पूछ रहा हूं खाली। आपने मुझे बताया तक नहीं। मेरी आदत नहीं है तुम्हारी तरह कि हर काम नूरजहां से पूछ कर करूं। भाई साहब मुझे जैन अली के घर के लिए पैसा चाहिए और आप कह रहे हैं कि अकाउंट खाली है। अब तुम्हें जैन अली का घर याद आ गया? भाई थोड़ा सबर करो, आ जाएंगे पैसे, चंद महीने लगेंगे। अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र सता रही है तो अपनी जायदाद में से उसका हिस्सा दे दो। और तुम्हारा कौन बैठा हुआ है वारिस? है? एक वारिस है और वो हमारा नवासा। तुम ये मत समझना कि कुरतुलैन का बेटा इस घर में लाया गया है। अनवर अली का नवासा लाया गया है इस घर में वारिस बनाकर। और अनवर अली बेटी का बाप होने के बावजूद यहां वारिस ले आया है। नहीं, मैं अपने बेटे का हक यूं आसानी से किसी की झोली में नहीं डाल सकता। लेकिन क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? अभी थका के सोया समर। मामा कह रही थी जैन अली से ज्यादा नॉटी है। आई एग्री, आपका पोता बहुत नॉटी है। ये बच्चा न मेरे पोता है न जैन अली का बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ अनवर अली का नवासा है। यहां है? मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रहा था। कहो क्या बात? बाबा घर का काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल ही भूल गया कि कॉन्ट्रैक्टर की इंस्टॉलमेंट की डेट बिल्कुल करीब है। उसके लिए मुझे आपसे चेक चाहिए था और कुछ और अमाउंट चाहिए था। क्या बात है बाबा, सब ठीक तो है ना? बेटा मैं तुमको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, मैं भाई साहब के पास गया था रकम के लिए, लेकिन उनके रवैया देख के तो मैं बहुत हैरान हूं। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा अब जब तुमने उनका नवासा गोद ले ही लिया है, तुमका ये ख्याल है कि सारी जायदाद का हक उस अडॉप्टेड बेटे ही का है, तो मुझे उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। क्या वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसीलिए मैं कहता था कि अपनी औलाद अपनी औलाद होती है। आज ये ताने न सुनना पड़ते हमको। घर तैयार नहीं हुआ है, जितनी रकम मेरे पास थी मैंने तुमको दे दी,
और आज जब मैं उनके पास गया अपने पैसों का तकाजा करने के लिए, उनका रवैया बदल गया है। बड़ी अजीब बात है, उनका नवासा गोद लेने का ये हरगिज मतलब नहीं था कि हम अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाएंगे। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं उनसे खुद जाकर बात करता हूँ। बेटा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम उनसे खुद बात करो। ठीक। यार डाटी इश्क आतिश, आपसे रिश्ता है प्यार।